बैक टू माई YouTube चैनल एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है गॉड लाइक को लेके। तो जो गॉड लाइक है उनका हमारे को लिट टॉक्स का एपिसोड 3 देखने को मिला शेडो के साथ, जिसमें उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड इनमें से एक पूछा गया था कि जो भी हमारे को परमानेंट रहने वाली है टीम सोल में, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला फू आप लोग देख लो। बूटकैंप का क्या प्लान है, कब तक जाओगे भाई? बोर्ड्स ख़त्म अगले दिन या उसके डे आफ्टर टुमारो चला जाऊंगा मुंबई। गेम आ जाए तब तक तो और बेटर है, वरना मैं तो जाऊंगा ही। गेम आ जाए तो सॉर्टेड है, फिर तो जाना ही जा रहा है, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। और गेम नहीं आएगा तो भी एक बार बाहर का एक्सपोजर लूँगा, तब मुंबई का भी क्या सीन है एक बार देख लूँगा कि कॉलेज वॉलेज के लिए भी दिक्कत ना हो। मतलब कॉलेज वॉलेज तो समझ जाऊंगा एक महीने में मैं, क्या है क्या नहीं। क्या आप सोल में खेलोगे परमानेंट? हाँ भाई, अरे तो बूट कैंप में ही रहेगा ना, मुंबई में पड़ेगा तो क्या प्रॉब्लम है तब रेंट का भाई? मतलब समझ, अरे यार क्या बताओ अब। अभी जैसे अभी भाई गेम पर भरोसा नहीं है ना, कभी चला जाए क्या हो। और फिर ऐसे परमानेंट थोड़ी है कि तुम जिस ऑर्ग में रह रहे हो वो ऑर्ग तुमको रखेगी ही रखेगी एट एनी हाउ। तो एक मतलब इसको ऐसा ऑप्शन लेके ही चल रहे हैं कि भाई हाँ तुम पे एट द मोमेंट है एक जगह रहने की, परमानेंट नहीं है भाई, परमानेंट सोच के नहीं चल रहा है। बस समझ होनी चाहिए कि कौन से स्टेट का क्या सीन है। अब तुम किसी चीज़ पर डिपेंड होकर चलोगे तो फिर तुम मतलब तुमने ऐसा सोचा है वैसा तो कभी होता नहीं है। कि तुमने सोचा है कि मैं मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को सोल रख लेगी 2 साल मेरा 11th 12th और पूरा 4 साल मेरा कॉलेज 6 साल, ऐसा तो होगा नहीं भाई ऑब्वियसली। मतलब हो भी सकता है ऐसा कुछ, वो नहीं है, पर सोच के क्यों चलना है ऐसे। एंड इसके बाद जो शेडो है उनसे पूछा गया था कि अगर उनको TSM ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स है उनकी मंथली एक्सपेंस कितनी है, तो इस चीज पे उन्होंने रिप्लाई करा। व्हाट इज द बर्न ऑफ जी इन अ मंथ फॉर फ्रेंचाइज? ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का टोटल खर्चा अ मंथ नाउडेज आफ्टर जॉइनिंग द फ्रेंचाइज लीग एनीवेयर बिटवीन 1.2 टू 1.5 CR, इट्स अ लॉट। बिफोर फ्रेंचाइज इट वॉज बिटवीन 30 and 50 lakhs बिकॉज वी हैड अदर रोस्टर्स, हमारे बाकी सब बूट कैंप। बट फ्रेंचाइज में आने के बाद विद ऑल आर एक्सपेंसिज इन साउथ कोरिया, विद ऑल आर एक्सपेंसिज ऑन द प्लेयर सैलरी, जो बाकी सब खर्चा है डिपॉजिट ये वो, महीने का खर्चा टू रन जी फॉर जी टू जस्ट स्टे अलाइव, नॉट कंसिडरिंग एनी न्यू एक्टिविटीज, नॉट कंसिडरिंग एनी मार्केटिंग, नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग एल्स, इज 1.2 टू 1.5 CR अ मंथ। यस, बहुत महंगा है। ऋषि भाई टॉप वैलोरेंट प्लेयर्स के सब कुछ मिलके कितना इनकम होता है मंथ में इंडिया? दोनों बता दो। इंडियन प्लेयर्स का एवरेज सैलरी इज बिटवीन 1 lakh and 3 lakhs अ मंथ इंडियन वैलोरेंट प्रोज का टीयर वन में। इफ यू कंसिडर एवरेज नॉर्थ अमेरिका की सैलरीज $25,000-30,000 महीने की, विच इज लाइक वॉट 20 लाख महीने का, 20 लाख महीने का इज नॉर्थ अमेरिका की। यूरोप में आई विल से 10 लाख महीने की, एशिया में 5 से 10 लाख महीने का। That's just the average standard. There are of course people above it and then there are people below it. I'm just telling you like an average. एंड साथ में उनसे ये भी पूछा गया था कि जो सोल है वो एक प्रॉफिटेबल और गया नहीं, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। If Soul is not investing, how can they earn profit from this? Bro, there's a lot of way to earn money. I think the good thing is Soul understands content and they understand the brand game better than most people in South Asia. So don't worry, they'll make money. In fact, I'll tell you this. Soul the esports org is burning money, but Soul the content group is very profitable. So remember that. एंड इसके बाद जो डायनामो उन्होंने बात करी BGMI के बारे में, उन्होंने एक गुड न्यूज शेयर करी थी BGMI से रिलेटेड, तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। BGMI आएगा या नहीं आएगा? देखो गाइस, एक छोटी सी खबर आई तो है कि अप्रैल से जून तक BGMI आने के चांसेस है। एक छोटी सी खबर आई है मेरे पास, यू नो लाइक मैं कैसे बताऊं आपको, अभी एकदम एकदम छोटी सी खबर है और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद से अप्रैल से लेके मतलब मार्च से लेके जून तक का ये जो 3-4 महीने का जो फासला है ना, ये जैसे मार्च अप्रैल मई जून, ये जो 4 महीने हैं, 3 से 4 महीने जो है,
इसमें थोड़ी सी एक न्यूज आ सकती है अच्छी, और हो सकता है कि बीजीएमआई आ सकता है मार्च से जून के बीच में, ऐसा मेरे को लग रहा है और मैंने ये सुना भी है. तो सिंपल सी बात है, मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता हूँ, बट मैं आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा देखने मिले, है ना, जस्ट अच्छी चीजें कुछ. एंडिस के बाद उनसे ये भी पूछा गया था कि जो रहते हैं वो अभी हाइड्रा में है या नहीं, एंड वो हमारे को दोबारा ज्वाइन करते हुए देख सकते हैं, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। लव दीप, थैंक यू फॉर इनवाइट. हे डाना ब्रो, इज रैप स्टिल इन हाइड्रा और नॉट? लव यू ब्रो, लव यू टू दीप भाई. टू बी ऑनेस्ट, क्या बोलूं मैं भी इसमें आपको आंसर. इफ ही शोज सम एक्टिव प्रोग्रेस इन हिज चैनल, इफ ही शोज एक्टिवनेस ऑन हिज चैनल, या चेक कुछ और चीजें, ग्रोथ दिखा बेसिकली. देखो गाइस, तुम ग्रोथ, अभी ट्रैकिंग नहीं करते क्या? एक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी, अभी फिलहाल तो नहीं, अगर ये बट सारी ऐसे चीजें ही अगर वो करना दिखाता है पड़ेगा। तो मैं उसको हाइड्रा में ले सकता हूँ. रिसेंटली वापस ज्वाइन किया मैं मैकेनिक के, इसमें भाई बताओ बहुत लोंडो, अगर ये चॉप सारी शॉप कैसा चल रहा चीजें, है? चॉप शॉप एंड चिल कुछ अगर ये सारी चीजें नहीं है, जो कि दंगा नहीं है, है? एक ऑब्वियसली मिनट बात है भाई, नहीं है, कल से मार रहे थे सवेरे तक दोपहर तक, तो नहीं मुझे हो तो एक पाएगा. चीज। तो बस गाइस यार, अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना।